बीबीसी दुनिया में आज देखिए, भारत और पाकिस्तान में रेप पीड़ितों के लिए इंसाफ क्यों एक जंग है। महिलाओं के खिलाफ हिंसक अपराधों से भारत और पाकिस्तान में तेज हुई कानून में सख्त सुधार की बहस, लेकिन जुर्म के शिकार महिलाओं को इंसाफ के लिए इतनी लंबी लड़ाई क्यों लड़नी पड़ती है। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में, मैं हूं सारिका सिंह। कवर स्टोरी में होगी इंसाफ के लिए महिलाओं की लंबी लड़ाई की चर्चा, लेकिन पहले हेडलाइंस। अमेरिका के बाद अब भारत में भी कोरोना वायरस के मामले हुए 80 लाख के पार। एक्सपर्ट्स ने चेताया, संक्रमण के नए मामलों में गिरावट के बावजूद भारत में टला नहीं है खतरा। दुनिया भर में मरीजों की संख्या हुई 4,45,00,000 से ज्यादा। पाकिस्तान में विपक्षी सांसद के बयान पर हंगामा। अयाज सादिक के मुताबिक बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान को था विंग कमांडर अभिनंदन को रिहा ना करने पर भारत के हमले का डर। पाकिस्तान सरकार ने दावे को बताया गलत। फ्रांस के नीस शहर में चाकू से हमले में एक महिला समेत 3 की मौत। राष्ट्रपति मैक्रों ने कहा, आतंकवादी हमला। कुछ दिन पहले पेरिस में पैगंबर मोहम्मद के कार्टून दिखाने पर की गई थी एक टीचर की हत्या। इनमें से कुछ अहम खबरों की चर्चा आज बीबीसी दुनिया में। भारत के निर्भया हो या पाकिस्तान के जैनब, दो देश दो लड़कियां, लेकिन अपराध ऐसा जिसने लोगों को झकझोर कर रख दिया। सालों बीत गए पर महिलाओं के लिए हालात नहीं बदले। भारत में हाथरस और पाकिस्तान में मोटरवे रेप की घटना इसका ताजा उदाहरण है। महिलाओं के खिलाफ अपराध दोनों ही देशों में क्यों नहीं रुक रहे, आज कवर स्टोरी में इसी की चर्चा। भारत और पाकिस्तान में कोरोना का खतरा होने के बावजूद बीते 2 महीनों में सैकड़ों लोग घरों से निकलकर सड़कों पर आए। महिलाओं के खिलाफ अपराध से नाराज दोनों मुल्कों के बाशिंदे इंसाफ की गुहार लगा रहे थे। पाकिस्तान में जैनब का मामला हो या फिर भारत में निर्भया का, दोनों के दोषियों को फांसी की सजा दी गई, पर उसके बाद भी हालात नहीं बदले। भारत में हाल ही में पंजाब समेत कई राज्यों से बर्बर घटनाओं की खबरें आने का सिलसिला जारी है। ऐसे प्रदर्शन कई बार हो चुके हैं और दोनों ही मुल्कों की सरकारें वादे भी कर चुकी हैं, मगर जमीन पर बदलाव नजर नहीं आता। ऐसी घटनाओं को लेकर जनता के गुस्से को देखते हुए दोनों देशों में सरकारों की ओर से कड़े कानून बनाने की बात होती है, लेकिन क्या उनकी ओर से होने वाली कोशिशें काफी हैं? महिलाओं के लिए समाज को सुरक्षित बनाने के लिए दोनों देशों में क्या किया गया है और अभी और क्या करने की जरूरत है, इसी पर भारत से दिव्या आर्या और पाकिस्तान से शुमाइला जाफरी की ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के हाथरस में विवादों में घिरा एक दाह संस्कार और शोक में डूबा एक परिवार। भारत का ध्यान एक बार फिर बर्बर बलात्कार के कथित मामले पर है। जैसे 2012 में वो दिल्ली में निर्भया के मामले पर था और 2014 में उत्तर प्रदेश के बदायूं के एक गांव पर, जब 2 नाबालिग लड़कियों को इस पेड़ से लटका पाया गया था। लड़कियों की मौत के बाद मैं बदायूं गई थी। मैं सीबीआई जांच चाहता हूं और मेरे लड़की के साथ जैसा बर्ताव हुआ है वैसे ही ये इनका लटके हुए सिर दिखाई दे सब पब्लिक के सामने। सरकार द्वारा साल 2012 में बच्चों के खिलाफ यौन हिंसा के लिए पारित पॉक्सो कानून के तहत बलात्कार के मामलों की सुनवाई जहां तक हो सके एक साल में पूरी करने का प्रावधान है। इसके अलावा मुकदमों की सुनवाई जल्द पूरी करने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन का भी ऐलान किया गया। इसके बावजूद साल 2013 में 95,000 बलात्कार के मामले देश की अदालतों में पेंडिंग थे। ये आंकड़ा साल 2019 में बढ़कर 1,45,000 हो गया था। बदायूं का मामला भी अब तक पेंडिंग है। मैं लड़कियों के भाई से मिली। जब ये कांड हुआ था तो उसमें मैं 12th में था। उन्होंने कहा कि जब सीबीआई ने बलात्कार और हत्या के पूरे सबूत ना मिलने का दावा कर 6 महीने में ही केस बंद कर दिया तो वो हैरान रह गए थे। उन्होंने केस दोबारा तो खुलवा लिया, लेकिन अब आरोप हल्के हैं। सुनवाई पूरी होनी बाकी है पर उनकी उम्मीद कायम है। इतना लंबा टाइम गुजरने के बाद दिक्कत तो होती है, हर चीज़ की पैसे भी जाता है, न्याय नहीं मिलता है, तो अदालत से एक तरह से नाराजगी तो रहती ही है। फैसला आएगा, देर में आएगा, अच्छा फैसला आएगा।
इसका यकीन है? हाँ, पक्का यकीन है। साल 2013 में भारत ने यौन हिंसा की परिभाषा का दायरा बढ़ाया, पुलिस और चिकित्सा अधिकारियों की लापरवाही के खिलाफ दंड तय किए और न्यूनतम और अधिकतम सजाएं और कठोर कर दी गईं। पर क्या इन बदलावों से मदद मिली? प्रीति प्रतिश्रुति दास ने साल 2013 और 2018 के बीच आए कई बलात्कार के फैसलों पर शोध किया। लीगल रिफॉर्म जो है वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। जब तक सोशल रिफॉर्म और गवर्नेंस रिफॉर्म ना आए, तब तक ये कानूनी बदलाव का कोई असर नहीं पड़ने वाला। कानून आने के पहले जो मैंने केसेस देखे उनमें भी कन्विक्शन रेट कोई बहुत ज्यादा हाई नहीं था। जब 2013 के बाद कानून आई जो कि सपोजिटली प्रोग्रेसिव लॉ रिफॉर्म है, प्रो विमेन लॉ रिफॉर्म है, उसमें कन्विक्शन रेट और भी घट गया एंड इट बिकेम एन एवरेज ऑफ 5.72%। तो सिर्फ कोर्ट को फास्ट ट्रैक कर देने से कुछ नहीं होने वाला। अगर मतलब पुलिस के पास इन्वेस्टिगेशन टूल्स ही वैसी हैं, शहरों में नहीं होती है तो मतलब बदायूं, हतरस, इन सब जगहों में तो मतलब बात कुछ और ही हो जाती है। क्राइम और महिलाओं के विरुद्ध के अपराध, इस सारे बीते दिनों भारत के गृह मंत्री ने औरतों के खिलाफ हिंसा समेत कई चुनौतियों से निपटने के लिए व्यवस्थित तरीके से पुलिस के आधुनिकीकरण कार्यक्रम का ऐलान किया। बढ़ती हुई इस समस्या के लिए ऐसे हस्तक्षेप को ठीक से लागू करना अब और भी जरूरी हो गया है। हाल ही में जारी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 7 सालों में बलात्कार के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। योजनाएं और कानून बनाने वालों के लिए और औरतों और बच्चियों के लिए चुनौतियां बढ़ी ही हैं। दिव्या ने इंडिया के हालात बताए। यहां पाकिस्तान में भी रेप के हवाले से सूरत हाल कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। कानून हो या समाजी रवैये, सभी कुछ मिलता जुलता है, लेकिन चूंकि यहाँ पर रेप के बारे में मुकम्मल ऑथेंटिक डेटा पब्लिक डोमेन में नहीं है, इसलिए ये कहना थोड़ा मुश्किल है कि रेप के वाकयात पाकिस्तान में बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। लाहौर की ये महिला कई महीनों से अदालत के चक्कर लगा रही हैं ताकि अपनी बेटी के रेपिस्ट को सजा दिला सकें। ऐसी मीडिया पे खबर आई है तो फिर थाने वाले ने पर्चा किया, ऐसे जो बिल्कुल नहीं बात सुनता था। पुलिस कहती थी कि आपको तो केस ही कमजोर है, आप सुलह कर लें इनसे। 2018 में 7 साला जैनब के रेप और कत्ल ने पूरे मुल्क को हिला के रख दिया था। इस केस को एंटी टेररिज्म कोर्ट में सुना गया क्योंकि एंटी टेररिज्म कोर्ट्स में सजा का इम्कान ज्यादा होता है। 10 महीनों में जैनब के रेपिस्ट को फांसी दे दी गई। अब एक पिछले दिनों पार्लियामेंट के अंदर एक हमारे मिनिस्टर ने जो है वो डाटा कोट किया कि 95% केसेस जो है केसेस में, रेप केसेस में जो एक्यूज्ड है वो कन्विक्ट नहीं हो पाता। जो लेट रिपोर्टिंग है आपकी, इनकम्प्रेहेंसिव और इनकम्प्लीट जो है ना, कि जो आपकी उसमें सैंपल कलेक्शन है फॉरेंसिक एनालिसिस के लिए, वो आपका एक बड़ी वजह। इससे अगले वाली चीज़ आ जाती है फिर, एक जो हमारा ट्रेडिशनल इन्वेस्टिगेशन का निज़ाम है, जाहिर है कि वो साइंटिफिक बुनियादों के ऊपर उस्तवार नहीं है। पाकिस्तान में रेप पर उम्र कैद और मौत की सज़ा हो सकती है। रेप के बारे में इमरान खान की सख्त सोच की तो कुछ हल्कों में आलोचना भी की गई। जिस तरह मर्डर होता है फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, उसी तरह इसको भी ग्रेड करें और जो फर्स्ट डिग्री हो उसको तो कैस्ट्रेशन करें। औरतें पुलिस स्टेशन आए बगैर बयान रिकॉर्ड करवाने और मुफ्त कानूनी मदद की सहूलत रखती हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स समझते हैं ये काफी नहीं। एक तो सोसाइटल बैरियर्स है, यूजली उसके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो उसको डिस्करेज करेंगे कि जाओ ही ना। तो ना आपका कोर्ट स्टाफ ट्रेंड है, जेंडर सेंसिटिव उसकी बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग नहीं है आपका, ना थाने में ये सिचुएशन है जहाँ मर्दों से आप घेरे हुए हों। कुछ हफ्ते पहले जब एक महिला को उनके बच्चों के सामने उस वक्त रेप किया गया जब उनकी गाड़ी सियालकोट मोटरवे पर खराब हो गई, तो लाहौर के सिटी पुलिस चीफ ने ये बयान दिया। पहले तो ये हैरान हो कि 3 बच्चों की माँ है, अकेली ड्राइवर है। अगर आप इस तरफ से निकली हो तो कम से कम अपने पेट्रोल चेक कर लो, क्योंकि सारे पेट्रोल पंप नहीं होते। पूरे मुल्क में इस स्टेटमेंट का विरोध करने वालों का कहना था कि सिटी पुलिस चीफ का बयान ये बताता है कि मौशरे में रेप केसेस में विक्टिम ब्लेमिंग की सोच कितनी गहरी है। और एक ब्रेक के बाद दिखाएंगे, पेरिस में टीचर की हत्या के बाद अब फ्रांस के नीस में चाकू से हमला। बीबीसी दुनिया में अब भी बहुत कुछ बाकी है।
आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं सारिका सिंह। फ्रांस के नीस शहर में बुधवार को 3 लोगों की हत्या हो गई। हमलावर भी पुलिस की गोली से घायल है और अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। फ्रांस में पहले से ही पैगंबर मोहम्मद के कार्टून बनाने के बाद एक शिक्षक की हत्या और राष्ट्रपति मैक्रों के बयानों को लेकर विवाद जारी है। अब राष्ट्रपति मैक्रों ने कहा है कि ये आतंकवादी हमला है। 4 साल पहले नीस में ही एक ट्रक हमले में 80 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। फ्रांस के एक और शहर के बीचों बीच हड़बड़ी और आतंक का माहौल है। सड़कें बंद हैं, बस पुलिस की गाड़ियां और एम्बुलेंस दौड़ रही हैं। ये फ्रांस में हुए डरावने हमले के बाद का मंजर है। ये हमला सुबह हुआ। अल्लाहु अकबर चिल्ला रहे हमलावर ने 3 लोगों पर चाकू से हमला किया। बताया जा रहा है कि एक की गर्दन काट दी गई है। We heard many people shouting in the streets, so we saw by the windows that there were many policemen coming. शहर के मेयर ने इस हमले को साफ तौर पर आतंकवादी हमला करार दिया है। नीस शहर को आज इस्लामिक फासीवाद का शिकार होकर फ्रांस की बाकी जगहों की तुलना में ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है। इस हमले का मतलब साफ है, क्योंकि जब हमलावर का इलाज किया जा रहा था तो वो हमारे सामने लगातार अल्लाहु अकबर बोल रहा था। फ्रांस में कुछ दिन पहले हुई स्कूल टीचर की हत्या के बाद ज्यादातर फ्रेंच नागरिक अपने देश के धर्म निरपेक्ष मूल्यों का समर्थन कर रहे हैं। नीस में 2016 की यादें ताजा हो गई हैं, जब ट्यूनिशिया से आए एक प्रवासी ने ट्रक से कुचलकर 86 लोगों की जान ले ली थी। वहीं इस्लामिक देशों में फ्रांस को लेकर गुस्सा है और राष्ट्रपति मैक्रों पर इस्लामी विरोधी एजेंडा चलाने का आरोप लग रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने मैक्रों पर इस्लामोफोबिया बढ़ाने का आरोप लगाया, तो तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान ने देशवासियों से फ्रेंच सामान के बहिष्कार की अपील की है। दुनिया भर में माहौल गर्म है। वहीं फ्रांस के दक्षिणी शहर एविन्यो में लोगों को धमका रहे एक संदिग्ध चरमपंथी की पुलिस की गोली से मौत हो गई। सऊदी अरब में फ्रांस के वाणिज्य दूतावास में एक गार्ड पर हमला किया गया। गार्ड जख्मी है और हमलावर पकड़ लिया गया है। और खबर अमेरिका से। महज 5 दिन रह गए हैं जब अमेरिका में नया राष्ट्रपति चुना जाएगा। वोटरों का दिल जीतने के लिए दोनों पार्टियां पूरा जोर लगा रही हैं, खासतौर पर महिलाओं का, क्योंकि इनका भरोसा जिसके साथ है उनकी राह आसान हो सकती है। ट्रंप भी इन्हें लुभाने की कोशिश कर रहे हैं और बाइडेन भी, लेकिन इन सब अर्बन महिलाओं के दिल में क्या है, देखिए अमरीका से ये रिपोर्ट। And somebody said, I don't know if the suburban woman likes you. I say why, but we had this... ट्रंप के इस सवाल पर विस्कॉन्सिन की महिलाएं क्या कह रही हैं, आइए जानते हैं। उन्होंने हमारे अधिकारों को खत्म करने के लिए वो सब किया जो वो कर सकते थे। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि सामान खरीदना, मेडिकल बिल चुकाना या कोई काम करना कैसा होता है। वो महिलाओं और कम प्रतिनिधित्व वाले अल्पसंख्यकों का सम्मान नहीं करते। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये चुनाव उनके लिए आसान नहीं रहने वाला है। राष्ट्रपति ट्रंप का अपना एक स्टाइल है और कई उपनगरीय शिक्षित महिलाओं को ये पसंद भी आया, हालांकि कुछ को बाद में अपने फैसले पर पछतावा भी हुआ। फिर जब चुनावी साल में लोगों को प्रदर्शनों और महामारी का सामना करना पड़ा तो तमाम लोगों का ये पछतावा और गहरा हो गया। हालांकि वो अपना फैसला बदल तो नहीं सकते, लेकिन अब उनके पास बदलाव लाने का एक मौका है। इस साल गर्मियों में विस्कॉन्सिन की सड़कों पर अराजकता और हिंसा भड़क उठी। किम्बर्ली वार्नर की दुकान को निशाना बनाया गया था। उनकी जैसी महिलाएं मानती हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप ने जो कदम उठाए थे उसकी वजह से उन्हें एक टर्म और मिलना चाहिए। गवर्नर ने कहा था कि वो राष्ट्रपति ट्रंप के सड़कों पर फौज उतारने के फैसले के साथ हैं। इस फैसले से मिनटों में हालात बदल गए। इससे हम फिर से सुरक्षित महसूस करने लगे। फिर जब राष्ट्रपति आए तो उन्होंने हमें बताया कि हम अकेले नहीं हैं और वो हमारे छोटे से शहर में हालात नहीं बिगड़ने देंगे। राष्ट्रपति के विरोध में प्रचार कर रही महिलाएं मानती हैं कि यहाँ उनका समर्थन तेजी से कम हो रहा है। तो कौन किसके साथ जाएगा, जानने के लिए बस कुछ दिनों का इंतजार। और आगे दिखाएंगे तमिलनाडु में कैसे सवर रही है ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों की जिंदगी, जानेंगे एक ब्रेक के बाद।
आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं सारिका सिंह। ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों के लिए नौकरी ढूंढना आसान नहीं होता, ऐसे में गुजर बसर करना भी मुश्किल होता है। इन लोगों की जिंदगी बेहतर करने की कोशिश हो रही है। तमिलनाडु के तूतीकोरिन में एक डेयरी फार्म को ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग चला रहे हैं। कैसे बदली इन लोगों की जिंदगी, देखिए बीबीसी संवाददाता प्रशांत सुंदरमूर्ति की रिपोर्ट में। ये हैं जो यौन उत्पीड़न और सामाजिक अवहेलना का शिकार रही हैं, लेकिन अब वो जिंदगी की चुनौतियों का मुकाबला करते हुए एक कारोबारी बन गई हैं। ट्रांसजेंडर समुदाय के 30 लोग मिलकर एक डेयरी फार्म चला रहे हैं, जो कि भारत में अपनी तरह का पहला है। इन खास घरों में वो लोग रहते हैं जिन्हें नौकरी मिल जाती है। ट्रांसजेंडर समुदाय के सभी 30 लोगों को राज्य की सौर ऊर्जा ग्रीन हाउस स्कीम के तहत अलग अलग घर दिए गए हैं। साथ ही हरेक को सहकारी बैंक से लोन दिलाकर एक गाय दी गई है। भारत की पहली ट्रांसजेंडर आईटी ग्रेजुएट ग्रेस बानू भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं। हर किसी को रोटी कपड़ा और मकान चाहिए, और जिसे ये मिल जाए वो आराम से जिंदगी जी सकता है। ये तीनों चीज हमारे समुदाय के लिए एक बड़ा सवाल बनी हुई थी, पर अब मैं एक कारोबारी हूँ। अब हमारे समुदाय के लोगों के नाम पर जमीन है, घर है, और इससे हमें काफी राहत मिली है। इस प्रोजेक्ट का सपना केंद्र और राज्य सरकारों की योजनाओं से साकार हुआ है। जब हमने उन्हें घर दिया तो उनमें आत्मसम्मान आया और समाज में उन्हें इज्जत मिली। पर ये यही नहीं खत्म होगा, हमने इस योजना की शुरुआत उनकी जिंदगी को सामाजिक और आर्थिक रूप से सुधारने के लिए की है। डेयरी फार्म में प्रतिदिन 300 लीटर दूध निकल रहा है, जिससे 30 से 35 रुपए प्रति लीटर बेचा जाता है। अब उनके पास कमाई का एक स्थायी जरिया है। अब तक 3.5 से 4 लाख रुपए की बिक्री हो चुकी है। ये दर्शाता है कि इससे किसी भी राज्य में लागू किया जा सकता है। इस कोऑपरेटिव सोसाइटी का नाम उसी कलेक्टर के नाम पर रखा गया है जिन्होंने इनकी जिंदगी को मकसद दिया। और कोरोना वायरस के इस दौर में बहुत कुछ रुक गया है, लेकिन कोलंबिया की सड़कों, गलियों और क्लब में सालसा डांस का हुनर दिखाने वालों के पैर भी उसके साथ थम गए, जिससे कईयों के रोजी रोटी का जरिया भी छिन गया है। पर ब्राजील के रियो में सांबा डांस पर पैर थिरकने लगे हैं। 7 महीने के बाद वहां सांबा के डांस सेशन भी होने लगे हैं। और कार्यक्रम कैसा लगा ये बताने के लिए आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं @BBCSarika पर। बीबीसी दुनिया में फिलहाल इतना ही।